सभी नेपाली दाजू बहनी को मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रेम गीत 3 का ट्रेलर टीजर सॉन्ग का रिएक्शन लेता हूँ पब्लिक में जाके। तो आज जो मैं है अपने बैठ के रिएक्शन लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है गाने का मुझ में बस जाना, जो कि हिंदी वर्जन में आया है। तो मैं इसका रिएक्शन करने जा रहा हूँ और आपको एक खुशखबरी और देनी थी। मेरे को 100-200 मैसेजेस आए थे कि सर ये जो हर युग होश गाना अभी नया वाला आया है उससे अच्छा पुराने वाला था। तो आपको मैं बता दूं कि पुराने वाला सॉन्ग भी अपलोड हो चुका है, नेपाली सॉन्ग, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था जो 2 साल पहले आया था, लेकिन नया वाला भी अच्छा है आज के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मेरे को पुराने वाला पर्सनली मुझे पसंद आया था क्योंकि उसमें सिंगर का भी फ़र्क है, म्यूज़िक का भी फ़र्क है। उसमें सिंगर कोई और थे, इसमें कोई और है, म्यूज़िक भी डिफरेंट था। तो आप जाके यूट्यूब पर जाके वो गाना जरूर देखें, बहुत अच्छा सॉन्ग आया है। और हम इसका रिएक्शन करते हैं जो नया सॉन्ग आया हिंदी में मुझ में बस जाना। तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये नेपाली में भी आया ये सॉन्ग। ओ चावल फेंक रहे आई थिंक ना। कोई पूजा होती होगी कल्चर। सुनील थापा जी लोकेशन चेक करो भाई। सुनील थापा जी ये मस्त सॉन्ग है, मस्त सॉन्ग, मस्त। अरे क्रिस्टीना मैम डांस अच्छा करते हैं। यार प्रदीप सर ने डांस अच्छा किया है। ये कोई हमला करने वाले हैं क्या, ये बंदूक लेके जा रहे हैं ये। यार संतोष सेन विलन है क्या इस फिल्म में। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म। आपको आवाज़ नहीं आई होगी क्योंकि मैं मतलब सॉन्ग जब भी मैं मतलब रिएक्शन करता हूँ तो मेरे वीडियो डिलीट कर देते हैं। तो ये सॉन्ग तो आप सुन ही चुके होंगे, तो मेरे को सुनना था तो मैं आपको इसका रिएक्शन दूंगा। बाकी बता दूँगी यार ये सॉन्ग जो है ना, इसको कंपोजिशन जो इसकी हुई है ना वो सेम नेपाली की तरह ही हुई है। म्यूज़िक सेम है, सब कुछ सेम है, जैसे कोई ना कोई नाता है जो सॉन्ग है वो बिल्कुल अलग सॉन्ग है। और लेकिन ये नेपाली में भी ऐसा ही कंपोजिशन हुआ है, ये मुझे अच्छा लगा। और आपको बता दूं कि इस सॉन्ग में यार मतलब कि ये सॉन्ग है ना, मेरे को लगता है फिल्म के अंदर इस सॉन्ग में हमला हमला होता है उस गांव पे, क्योंकि जो देखा ना गन्स वगैरह जो विलन्स वगैरह आ रहे थे वो मतलब वहाँ पे जश्न मना रहे, लेकिन वो कोई वहाँ पे अटैक करने वाला है ऐसा कुछ सीन लग रहा है मुझे देख के ना। बाकी प्रदीप खड़का जी ने डांस अच्छा किया यार इसमें। और मैंने सुना है कि इस फिल्म में जो इस डांस को जिसने करवाया है कोरियोग्राफर, वो एक नेपाली बूगी बूगी आता था उसमें विनर रह चुका है लड़का ना, तो शायद उसने करवाया है। उसका नाम पता नहीं क्या था, सुजन पता नहीं कुछ ऐसा करके था, मुझे बताना कमेंट करके। गाना अच्छा है ये, लेकिन जो हर युग होश गाना है जो पुराने वाला वो ज़्यादा अच्छा है। और वो गाना अपलोड हो चुका है, अब भी जाके यूट्यूब पर जाके देखो मज़ा आ जाएगा आपको। और आपको बता दूँ कि 23 सितंबर को भूलना मत, जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर हैं
उनको पर्सनली मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को चले जाना, क्योंकि 75 रुपीज़ का टिकट मिलेगा। अगर आप 23 सितंबर को जाएंगे और 24 सितंबर को जाएंगे तो आपको फिर महंगा मिलेगा, इसीलिए हाउसफुल कर देना जाके और ब्लॉकबस्टर बना दो इस फिल्म को। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यार, आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतने मैसेजेस कर रहे हैं और आप पर्सनली मुझे समझा रहे हैं कि ऐसे करो सर, आप ऐसे करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे प्रेम विद 3 का रिएक्शन लेने में। अभी मैं आज टाइम नहीं मिला मुझे तो मैं जा नहीं पाया पब्लिक में, लेकिन मैं संडे को जाऊंगा और फिर मैं पब्लिक में रिएक्शन दूंगा। और आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें, शेयर भी करें और इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, ताकि आप मुझे बता सके कि मैं वीडियो में क्या गलती कर रहा हूँ या कुछ मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। आप मुझे ज़रूर मुझे मैसेज करना इंस्टा पे और फिर वहाँ पे हम ढेर सारी बात करेंगे, लाइव आएंगे और भी बहुत कुछ। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। जय नेपाल, जय भारत। I'm not